वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टब के बारे में। स्टब क्या होता है और उसकी नीड क्यों पड़ती है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पीएचपी आर्टिसन, आपको जब भी स्टब पब्लिश करना है, स्टब को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्टब और पीएचपी आर्टिसन स्टब कॉलन पब्लिश। ये पब्लिश और स्टब डेट आर अवेलेबल फॉर कस्टमाइजेशन। तो स्टब को हम यूज़ क्यों करते हैं, जब भी हम कंट्रोलर बनाते हैं या फिर वो बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं कमांड लाइन के थ्रू। पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल, जब ये कमांड हम यूज़ करते हैं मेक कंट्रोलर, तो इसमें क्या होता है, कंट्रोलर बनता है कुछ। तो जो कंट्रोलर के अंदर क्या चीज़ आपको ऐड करनी है, ऑटोमेटिक ऐड हो के आनी चाहिए, तो उसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपको स्टब यूज़ करना है। तो मैं प्रैक्टिकली तो बता देता हूँ आपको, एग्जांपल देते हैं पहले। पीएचपी आर्टिसन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टब को पब्लिश कर लेते हैं। उसकी कमांड होती है स्टब कॉलन कॉलन पब्लिश। पीएचपी आर्टिसन ये हो गया। तो ये क्या करता है, ये आपका एक फोल्डर क्रिएट कर देगा इधर। ये देखो, ये स्टब्स नाम से फोल्डर क्रिएट कर देगा आपके। यहाँ पे बहुत सारी फाइलें आ जाएंगी। अब देखो, जब भी हम कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं किसी भी कंट्रोलर को, जैसे कि अभी हम कंट्रोलर बनाते हैं पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम लिख देते हैं हम टेस्ट वन। मैंने टेस्ट वन करके कंट्रोलर बनाया। अब यहाँ पर हम जाएंगे एचटीटीपी के अंदर, कंट्रोलर के अंदर टेस्ट वन। तो ये देखो, इसके अंदर ये लाइनें ऐड होकर आती हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ एक और लाइन ऐड होकर आ जाए, ये यहाँ पर एक फंक्शन बन गया है अपने आप, तो उस फंक्शन को बनाना है। जब भी आप कंट्रोलर क्रिएट करो, अपने आप बन के आए फंक्शन, तो उसके लिए आपको स्टब यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा कंट्रोलर प्लेन स्टब में। अगर आप यहाँ पर लिख दोगे पब्लिक फंक्शन, मान लो इंडेक्स करके आपको फंक्शन बनाना है कि हमेशा ये इंडेक्स कॉल हो गया है, रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। अब मैं एक और नया कंट्रोलर बनाता हूँ टेस्ट टू नाम से। जैसे इसको मैंने टेस्ट टू करा, मेरे एक कंट्रोलर क्रिएट हुआ होगा, ये देखो, और इसके अंदर ये देखो, ये लाइन अपने आप ऐड होके आई है। अब जितने चाहो कंट्रोलर ऐड कर लो इसमें, टेस्ट थ्री। अब सब में क्या कहते हैं, ये लाइन ऐड होके आएगी अब, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये काम मॉडल के लिए करना है या माइग्रेशन के लिए करना है, सब के लिए आप कर सकते हो। मॉडल के लिए करना है तो मॉडल के लिए भी कर सकते हैं। तो मॉडल के लिए करना है तो हमें ये मॉडल प्लेन के अंदर जाना, इसके अंदर जाना पड़ेगा मॉडल। और हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ, जैसे कि हमने कुछ मॉडल बना रखे हैं, चलो हम चाहते हैं कि ये लाइन हर जगह ऐड होकर आ जाए, हिडन फील्ड वाली। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना है जो ये मॉडल है, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। तो अब जितने भी आप मॉडल बनाओगे, ये लाइन ऐड होकर आएगी हमेशा। तो मॉडल बनाने के लिए पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल का नेम हम रख देते हैं टेस्ट मॉडल। ये हमने क्रिएट करा, एक मॉडल क्रिएट हो गया होगा टेस्ट मॉडल नाम का हमारा, ये देखो। और इसके अंदर ये देखो, ये लाइन ऐड होकर आई है। अगर आप चाहते हो कि कुछ और लाइन इसके अंदर ऐड होकर आ जाए या ये फील्ड हट जाए, तो आप यहाँ से हटा दो इसको। अब यहाँ से हम एक और मॉडल क्रिएट कर देते हैं टू नाम का, क्रिएट हो गया हमारे। यहाँ पर जाओगे तो ये देखो, यहाँ से वो लाइन हट गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कंट्रोलर में यूज़ कर सकते हो, ऐसी मॉडल में यूज़ कर सकते हो। माइग्रेशन के लिए करना है तो ये अप और डाउन में आप पहले से कुछ लिख सकते हो माइग्रेशन के लिए, और रिक्वेस्ट के लिए भी आप कुछ भी कर सकते हो। इसके साथ इसमें आपको अगर माइग्रेशन हो गया, सीडर हो गया, ये देखो, तो इन सब के लिए आप पहले से कुछ बना के यूज़ कर सकते हो, लिख दो उसमें, और जब भी आप क्रिएट करोगे हर फाइल के अंदर वो ऐड होकर आएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो हमारा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।